एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं कि जिसकी मदद से आप एक बॉडी पर वर्क डन करके उस बॉडी को जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंचा दें, तो उस वर्क डन का नाम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आपको पता है कि जब हम जमीन से ऊपर जाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, मजीद ऊपर जाने के लिए मजीद वर्क करना पड़ता है, 100 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए बॉडी को वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा आखिर कब तक चलेगा? एक स्टेज आएगी जब आप जमीन से इतने दूर चले जाएंगे कि वहां पर जमीन की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जमीन के आसपास तो एक खास ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसका तो एक खास इलाका है। तो आखिरकार आप ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर किसी पॉइंट पर ले जाएंगे, और उस पॉइंट का नाम क्या होगा? वो पॉइंट जो है जमीन से बहुत ही दूर होगा। और उस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए जो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है, और उस एनर्जी का नाम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। डेफिनेशन तो इसका बहुत ही आसान था, लेकिन इसका जो फार्मूले का डेरिवेशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, और उसके लिए मैंने आज का ये डायग्राम ड्रॉ किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से इस पॉइंट, मिसाल के तौर पर मैंने इसको एन लिख दिया है, एन मीन लास्ट। ये पॉइंट जो है जमीन से बहुत ही ज्यादा दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है। और इधर क्या लिखा है भाई? नो ग्रेविटी। इधर ग्रेविटी, सो इधर ग्रेविटी नहीं है। इस पॉइंट तक आप ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें इस ऑब्जेक्ट पर वर्क करना होगा, विदाउट तो वर्क ये इस पॉइंट पे नहीं जाएगा ना। तो हमने करना क्या है इस पूरे टॉपिक में? हमने उस वर्क को फाइंड करना है, हमने उस वर्क को फाइंड करना है जो हम जो इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक लाने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट पे किया। तो उस वर्क को फाइंड करने में कुछ चीजें हमें जो है मसला दे रही है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो चीजें क्या है? नंबर वन, पहली बात, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर इस पॉइंट तक भेजने के लिए, इस पॉइंट तक लाने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना होगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि वो फोर्स क्या कांस्टेंट होगा या वो फोर्स चेंज होता जाएगा? तो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो चेंज होता जाएगा। देखो, इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन कुछ और होगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड कुछ और होगी, इस पॉइंट पर फोर्स की मैग्नीट्यूड कुछ और होगी, इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड होगी। अब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने अपने क्लास 9th की फिजिक्स में ये पॉइंट पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी जो है ऊपर की तरफ कम होती जाती है, ऊपर की तरफ ग्रेविटी कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। तो देखो, हम बॉडी को जो है इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, तो जमीन का रेडियस बढ़ रहा है, इट्स मीन कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रही है। हमने इसको एक फार्मूले से बना कर रखा है। देखो, इस ऑब्जेक्ट पर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, ठीक है? इधर देखो, ई एफ जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, ई एफ जी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इधर देखो, ये जी जी क्या चीज है भाई? जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इस जी की जो वैल्यू है वो 6.67×10^-11 है, ठीक है? और ये एम क्या चीज है? एम जो है ये जमीन का मैस है भाई, ठीक है, ये मैस ऑफ अर्थ है। और ये स्मॉल एम क्या चीज है? ये स्मॉल एम जो है ये ऑब्जेक्ट का मैस है, ऑब्जेक्ट का मैस है। ऑब्जेक्ट देखो, आप जमीन पर खड़े होकर किसी चीज को जमीन से ऊपर
इस पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, तो उस चीज का जो नाम होगा वो स्मॉल एम होगा और जो जमीन का मैस होगा वो कैपिटल एम होगा। ये स्मॉल एम है, ये उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिसको हम जमीन से दूर उस पॉइंट पे लेकर जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक लेकर जा रहे हैं। अब ये रेडियस क्या है भाई, ये आर स्क्वायर क्या है भाई, ये अर्थ का रेडियस है। देखो ये सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, इसको हम आर स्क्वायर लिखते हैं, ये जमीन का रेडियस है। अब इस फार्मूले से हमें एक अंदाजा होता है, इस फार्मूले से हमें एक अंदाजा होता है कि अगर ये फोर्स अगर ये अगर रेडियस इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि रेडियस और फोर्स आर स्क्वायर और फोर्स एफ ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, फोर्स कम हो गई तो रेडियस ज्यादा होगा। देखो भाई ऑब्जेक्ट क्योंकि अपवर्ड मूव कर रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, तो इट्स मीन के हाइट पर जो है अपना ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो हाइट पर कम होता चला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हाइट पर कम होता चला जाता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इधर मैंने फिर से लिख दिया भाई, ये आर क्या चीज है, ये रेडियस है। रेडियस क्या हो रहा है भाई, चेंज। जब रेडियस चेंज हो रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है भाई, चेंज। जब रेडियस चेंज होगा तो फोर्स डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अब फोर्स की जो हमें तो अब इतना तो हमें पता चल ही गया कि हम जिस फोर्स की मदद से बॉडी को जमीन से इनफिनिटी तक लेकर जा रहे हैं वो फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, वो हर स्टेप पर हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमें ये पता चल ही गया। अब हमने करना क्या है, अगर हम इस आर स्क्वायर को अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, मतलब ये चेंज ना हो, इसको हम कांस्टेंट बना दें, तो फोर्स भी डेफिनेटली कांस्टेंट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऊपर की तरफ चेंज ना हो, ये कांस्टेंट आ जाए। तो फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए हमें रेडियस को कांस्टेंट बनाना होगा। आप इसे जादू समझे या साइन, तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हमें कुछ बंदोबस्त करना होगा, हमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी होगी कि हमारा रेडियस जो है वो कांस्टेंट हो जाए। जब रेडियस कांस्टेंट होगा तो हमारा फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस रेडियस को कांस्टेंट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको अपनी अरेंजमेंट बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट देता हूँ। सपोज कि ये मेरे पास एक रस्सी है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। अब शुरुआत में कितना है भाई, 1 सेंटीमीटर। अब भाई देखो एक एक और 20 में कितना डिफरेंस है भाई, एक और 20 में कितना डिफरेंस है, 19 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को, इस रस्सी को हम और एक और स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम 10 का नाम दे देते हैं। आप देखो भाई 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 और 1, इस 10 और 1 में कितना डिफरेंस है भाई, 9 का डिफरेंस। तो देखा डिफरेंस कम हो गया, रेडियस का डिफरेंस कम हो गया। अगर इसको मैं तीन चार और स्टेप में डिवाइड कर दूं, सपोज मैं इसको 2, इसको 3, इसको 5, इसको 6 और इसको 9, इसको 8 का नाम दो, इसको 19, इसको 18 सेंटीमीटर। अब देखें भाई अगर हम इस लाइन को निहायत ही छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दें, अगर हम इस लाइन को निहायत ही छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें, तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक रेडियस का जो चेंज है, रेडियस में जो डिफरेंस है, रेडियस का डिफरेंस वो निहायत ही कम हो जाएगा।
अगर हम इस पूरी लैंड को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दें तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक रेडियस का डिफरेंस कम हो जाएगा। कैसे भाई? देखो, पहले 1 से 20 तक कितना डिफरेंस था? 19 सेंटीमीटर का। फिर हमने इसको दो हिस्से में तकसीम किया था, 10। 10 और 1 से कितना डिफरेंस था? 9 सेंटीमीटर का। अब देखें भाई, 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1 और 2 में कितना डिफरेंस है भाई? 1 सेंटीमीटर का। इस तरह 1 और 2 में डिफरेंस, रेडियस का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर का है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जो है निग्लिजिबल है। वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस है। अब देखो, स्टेप 1 से स्टेप 2 तक डिफरेंस खत्म, स्टेप 3 से स्टेप 4 तक डिफरेंस खत्म, स्टेप 9 से स्टेप 10 तक रेडियस का डिफरेंस खत्म, एंड सो ऑन। स्टेप 19 से स्टेप 20 तक रेडियस का डिफरेंस खत्म। तो हमारा इवेंचुअली फाइनली हमारी जो ये रेडियस है वो हमारा कांस्टेंट आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को देखें, हम इस पूरे पाथ को n स्टेप तक छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 का नाम दे दिया। अब देखो, ये अर्थ के सेंटर से स्टेप 1 तक जो हाइट है, जो रेडियस है, उसे R1 का नाम दे दिया। स्टेप 2 से अर्थ के सेंटर तक जो हाइट है उसे R2 या रेडियस R2 का नाम दे दिया। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 के दरमियान जो ये Δr है, ये वेरी 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 स्मॉल चेंज इन रेडियस है और तकरीबन निग्लिजिबल है। अगर हमने ये वाला जो हमने रेडियस निकाला Δr, ये इट्स मीन के स्टेप 1 से स्टेप 2 तक हमने रेडियस को कांस्टेंट कर दिया। जब हमने रेडियस को कांस्टेंट कर दिया तो हमारा फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। इट्स मीन कि स्टेप 1 से स्टेप 2 तक जो कि बहुत ही छोटा सा रेडियस है, और उस रेडियस तकरीबन ये जो रेडियस है Δr, ये हमारा कांस्टेंट बन चुका है। और इस रेडियस के अंदर यानी 1 से 2 तक हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह स्टेप 2 से स्टेप 3 तक ये इसकी भी जो लेंथ है वो Δr है। और इस तरह 2 से 3 तक हमारा फोर्स जो है कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं भाई, असल जो कंसेप्ट है ना, सारा का सारा कमाल जो रखा है वो इधर है, मैंने इसलिए उसको पहले लिख लिया है। देखो भाई, वी नीड अ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, वी नीड अ कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, सो वी डिवाइड दी होल पाथ इन स्मॉल स्टेप। सो वी डिवाइड द होल पाथ इन स्मॉल स्टेप। पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं था, ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियस के बढ़ने से मुसलसल हाइट की तरफ चेंज हो रहा था। हमने क्या किया, हमें चाहिए था कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स हमें चाहिए था, कांस्टेंट फोर्स हासिल करने के लिए हमने पूरे पाथ को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला भाई, सच दैट Δr वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस। इट्स मीन ये जो हमारा रेडियस Δr है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या बन गया, कांस्टेंट। ये क्या हो गया भाई, कांस्टेंट। जब Δr कांस्टेंट हो गया तो Δr का जितना भी स्पेस है इसके अंदर फोर्स भी क्या हो गया भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। हमें जब हमने रेडियस को कांस्टेंट बना लिया तो हमारा फोर्स भी इस पॉइंट स्टेप 1 से स्टेप 2 तक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट हो गया। Δr वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और फार्मूला बना जो कि ये है, Fg इज इक्वल टू Gm m R1 R2। ठीक है,
ये फार्मूला जो है ये कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला, जबकि ये वेरिएबल चेंज हो रही फोर्स का फार्मूला है। अब हमने ये फार्मूला हमारे पास कैसे आया, जब हमने रेडियस को कांस्टेंट किया, रेडियस को कांस्टेंट किया तो हमारे पास फोर्स क्या बन गई भाई, कांस्टेंट फोर्स क्या बन गई, रेडियस को हमने क्या किया कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या बन गई फोर्स कांस्टेंट, फोर्स भी हमारे पास कांस्टेंट बन गई। अब फिजिक्स में क्योंकि डेरिवेशन चलती है, कैलकुलेशन होती है, तो हमने प्रूफ करना है कि हमने ये फार्मूला जो है ये डिराइव करना है, कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूले को हमने कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल भाई, देखो भाई सेंटर से लेकर स्टेप वन तक रेडियस आर वन, लेंथ आर वन, और सेंटर से लेकर स्टेप टू टू तक रेडियस आर टू, आर टू माइनस आर वन यानी कि डेल्टा आर, इनका जो डिफरेंस है ये देखो भाई, हमारे पास डेल्टा आर पहले लिख लेते हैं, डेल्टा आर हमने बनाना क्या है, ये वाला फार्मूला बनाना है, एफ इज इक्वल टू जो हम अभी बना चुके हैं जी एम एम आर वन आर टू, ये वाला फार्मूला बनाना है। ये फार्मूला किस चीज का है भाई, कांस्टेंट फोर्स का है, कांस्टेंट फोर्स का है, कांस्टेंट फोर्स का है, क्योंकि हमें ये कांस्टेंट फोर्स चाहिए थी, ये फार्मूला हमने डिराइव करना है। देखो भाई हम जानते हैं कि डेल्टा आर जो है उसे आर टू माइनस आर वन लिखते हैं, अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, आर टू को इस साइड पे ले आए, डेल्टा आर जो है डेल्टा आर, ये आर वन इस साइड पे आकर प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, आर टू इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस आर वन, इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। अब देखो सेंटर से लेकर स्टेप वन तक आर वन, सेंटर से लेकर स्टेप टू तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर टू है, हमने एवरेज डिस्प्लेसमेंट, हमने इसका एवरेज निकालना है, तो आर वन को आर टू में प्लस कर लेंगे और उसको टू पे डिवाइड करेंगे, तो हमें एवरेज रेडियस या एवरेज डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या निकालना है भाई, एवरेज 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 डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन आर वन एंड आर टू। जब हम एवरेज डिस्टेंस बिटवीन आर वन और आर टू फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये वाला आ जाता है कि आर है आर वन प्लस आर टू, आर वन को आर टू में जमा करेंगे और इसको टू पे डिवाइड करेंगे। आप देखें भाई ये वाला आर टू जो है, ये आर टू, इस आर टू की जगह ये वाली वैल्यू मैं फाइंड पुट कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास ये बन जाएगा भाई आर वन प्लस आर टू की जगह ये वाली वैल्यू डेल्टा आर प्लस आर वन। आप देखो ये आर वन प्लस आर वन, तो ये हमारे पास क्या बना भाई, आर वन प्लस आर वन, तो ये हमारे पास टू आर वन, और साथ में हमारा क्या है भाई प्लस डेल्टा आर, और नीचे क्या है हमारे पास बटे में दो, तो इधर साइड पे हमारा आर। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टू आर वन डिवाइडेड टू प्लस डेल्टा आर अपॉन टू, अब ये टू टू से कैंसल, तो हमारे पास क्या आएगा भाई आर वन प्लस डेल्टा आर अपॉन टू, और इस साइड से हमारा क्या है भाई आर वन। अब ये वाला हमारे पास फार्मूला बन गया, ये वाली हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हमने इक्वेशन थ्री का नाम दिया, सॉरी इसको हम